आज हम आपकी क्लास से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पोयम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के क्वेश्चंस आपको अगर पढ़ने हैं, उससे पहले आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी पड़ेगी इसी कविता की, अदरवाइज आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेकार है। अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक दे दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस लिंक के नाम से आपको ये कविता आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं। और अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं समझाने के लिए, वो है तीसरा, तुलसी के समय के समाज के बारे में बताइए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कविता को जब हमने पढ़ा था तो उससे पता चला था कि तुलसीदास जी का जो समाज था, कहने का मतलब उस समय का जो जमाना था वो कैसा था, आर्थिक विषमता कितनी थी, वहां के लोग किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके से अपना जीवन गुजारते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे। देखिएगा, तुलसीदास के समय का समाज मध्ययुगीन विचारधारा का था। उस समय बेरोजगारी थी और आम व्यक्ति की हालत दयनीय थी। दयनीय मतलब होता है जिस पर दया की जाए। समाज में कोई नियम कानून नहीं था। व्यक्ति अपनी भूख शांत करने के लिए गलत कार्य भी करते थे। मतलब आपने कविता में पढ़ा था ना, ऊंचे नीचे कर्म करते थे, इस तरीके से आपने वो लाइंस पढ़ी थी। तो आगे देखिए, धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी और जाति व संप्रदाय के बंधन कठोर थे। मतलब एक ही जाति, एक ही संप्रदाय के लोग अपनी ही जाति, अपने ही संप्रदाय के लोगों का साथ देते थे, इतना स्वार्थ हो गया था। नारी की दशा हीन थी, उसकी हानि को विशेष नहीं माना जाता था। मतलब आपने कविता में पढ़ा था ना कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, ऐसी एक लाइन पढ़ी थी आपने, वहां से ये लाइन बनी है कि नारी हानि को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। मतलब कहने का ये था कि तुलसीदास का जो जमाना था वो इस तरह का ही था। देखो, चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, मैं पढ़ने नहीं वाला हूं, जस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तुलसी युग की आर्थिक स्थिति को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब उस समय की आर्थिक स्थिति, यानी पैसों से संबंधित, बेरोजगारी कह सकते हो, भुखमरी कह सकते हो, इस तरह से रिलेटेड आपको इसका आंसर लिखना है, जो हम कुछ हद तक यहां पर भी पढ़ चुके हैं, यानी तीसरे प्रश्न में, तो लगभग एक जैसा, आप खुद भी देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कवितावली से रिलेटेड, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब इसके प्रश्न भी कुछ एक देख लेते हैं। हम देखेंगे सातवां प्रश्न, कुंभकर्ण ने रावण को किस सच्चाई का आईना दिखाया। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, कविता के एंड में कुंभकर्ण ने रावण को सचेत किया था कि अरे दुष्ट, कि अगर तू सीता का हरण करेगा, जगत की अंबा का हरण करेगा, तो तेरा भी नष्ट होना सुनिश्चित है, ऐसा कुछ वर्डिंग कही थी। देखिए क्या लिखा है, कुंभकर्ण रावण का भाई था, वह लंबे समय तक सोता रहता था, उसका शरीर विशाल था, देखने में ऐसा लगता था मानो काल आकर बैठ गया हो, काल माने मृत्यु। वह मुंहफट तथा स्पष्ट वक्ता था। वह रावण से पूछता है कि तुम्हारे मुंह क्यों सूखे हुए हैं, अर्थात क्यों घबराए हुए हो तुम। रावण की बात सुनने पर वह रावण को फटकार लगाता है तथा उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार उसने रावण को उसके विनाश संबंधी सच्चाई का आईना दिखाया, जो प्रश्न में पूछा था। अब एक बात का और ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी एज इट इज लिखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप भी ऐसा का ऐसा ही उतारेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा हुआ है, यही के यही शब्द आपको लिखने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने शब्द भी ऐड कर सकते हो, अपनी लाइनें भी ऐड कर सकते हो इसमें। चलिए, अब बात आती है कि अगर आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ा है तो बच्चों ये बताओ कि हनुमान के आने पर कौन सा रस आया था। आपने एक बार जल्दी से कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं ये कविता किसने किस हद तक पढ़ी है, समझी है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखो, ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से है। देखो, कवितावली से उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। मतलब अपने युग को वो बहुत अच्छे से जानते थे, कौन, तुलसीदास जी, ऐसा आपको सिद्ध करना है। और खास तौर पर आर्थिक विषमता के बारे में, मतलब पैसों की लाचारी थी उस समय, ये बात तुलसीदास जी बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए, भले ही तुलसीदास कहां व्यक्त करते हैं, वो कविता में व्यक्त करते हैं, देखना। भले ही तुलसीदास राम भक्त कवि थे, परंतु अपने युग के
प्रतिनिधियों से भी भली प्रकार परिचित थे, जानते थे। उन्होंने तत्कालीन लोगों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति को, यानी कि पैसों से संबंधित स्थिति को समीप से देखा था। इसलिए कवि ने स्वीकार किया है कि उस समय लोग बेरोजगारी के शिकार थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। ये सब बातें कविता में पता चलती हैं, जिससे वे अपना पेट भर सके। मजदूर, किसान, भिखारी, कलाकार, व्यापारी आदि सभी काम न मिलने के कारण परेशान थे। तुलसीदास ने लोगों की आर्थिक दुर्दशा को देखकर कवितावली के छंदों में आर्थिक विषमता का यथार्थ, आर्थिक विषमता मतलब पैसों की लाचारी, पैसों की कमी का यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई का वर्णन किया है। एक और प्रश्न भी है आपके सामने, देखिए चौथे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। धूत कहो अवधूत कहो, इस तरह से एक लाइन है बड़ी सी, वाले छंद में ऊपर से सरल व निरी, निरी मतलब होते शांत, दिखलाई पड़ने वाले तुलसीदास की भीतरी असलियत यानी वास्तविकता एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? आपने ये कविता पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि स्वाभिमानी भक्त हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ना तो किसी का एक लेता हूं ना किसी का दो देता हूं, अर्थात मुझे किसी से लेना देना नहीं रखना, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, मैं तो उस राम का भक्त हूं। ऐसा वो जब कहते हैं ना, उससे पता चलता है उनके अंदर भी एक स्वाभिमान है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखिए, इस सवैया से कवि की सच्ची भक्ति भावना तथा उनके स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। वे स्वयं को सरनाम गुलामू है राम को, मतलब सरनाम होता है प्रसिद्ध, गुलामू मतलब गुलाम, राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध हूं, ऐसा वो स्वयं को कहते हैं, कहकर अपनी दीनता हीनता को प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि वे राम के सच्चे भक्त हैं और उनमें समर्पण की भावना भी है। परंतु एक स्वाभिमानी भक्त भी थे, लोगों ने जो उन पर कटाक्ष किए उनकी भी उन्होंने परवाह नहीं की, इसीलिए वे निंदकों को स्पष्ट करते हैं कि उनके बारे में जिसे जो कुछ कहना है वह कहे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या हमें एज इट इज आंसर लिखने को मिलेंगे। बच्चों, अगर एज इट इज क्वेश्चंस नहीं भी आते तो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए भी तैयार है ना कि घुमा फिराकर कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से वहां पर पढ़ना, समझना और फिर उत्तर लिखना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, वो है आखिरी, आठवां। देखो, जेहू अवध कवन मुहुलाही, ये आपकी जो दो पंक्तियां आई हुई हैं इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। मतलब यहां ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन लिखी गई है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यानी नारी हानि मेरे लिए विशेष हानि नहीं थी, ये शब्द राम ने कहे हैं। हालांकि लिखने वाले तुलसीदास जी हैं तो राम के मुंह से उन्होंने ये शब्द कहलवाए हैं, तो ऐसे शब्द क्या सामाजिक दृष्टिकोण से सही है, क्या एक स्त्री को बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी गई है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर विलाप करने वाले की पत्नी, विलाप करने वाले की जो पत्नी है यानी यहां पर सीता कह सकते हो, वो बुरा ही लगेगा, परंतु यह भी सच्चाई है कि इस प्रकार के प्रलाप का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो दुख में कहे गए शब्द हैं कि सामने भाई मूर्छित है, उसका जीवन खतरे में है, ऐसी अवस्था में ये शब्द मुंह से निकल जाते हैं अक्सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस बात को लेकर सीरियस थे कि वो नारी हानि को विशेष हानि नहीं मानते। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था कि इस प्रकार के प्रलाप का कोई अर्थ नहीं होता, यह शोक से व्यथित, व्यथित होता है पीड़ित, दुखी, दुखी एक व्यक्ति की उक्ति है यानी ये बात है कही गई, इसे यथार्थ नहीं समझना चाहिए। यथार्थ का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। इस उक्ति से यह भी अर्थ प्रकट हो सकता है कि प्रायः लोग पत्नी को भाई से अधिक महत्व देते हैं, और कभी कभी ऐसे उदाहरण भी देखे जा सकते हैं, है ना, कई बार ऐसे भी उदाहरण होते हैं जहां लक्ष्मण जैसे भाई अपनी भाभी के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। मतलब ये एक जीता जागता उदाहरण ही तो था कि उसने अपनी भाभी के लिए जान तक न्योछावर कर दी। तो ऐसे भी उदाहरण है हमारे समाज में, परंतु आज ऐसा भी देखने में आया है कि पुरुष अपनी पत्नी के लिए भाई को भी छोड़ देता है, ऐसे ऐसे उदाहरण भी है। मतलब यहां पर यह दिखाया गया कि स्त्री के प्रति सामाजिक
सामाजिक दृष्टिकोण कैसा कैसा है, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग उदाहरण है। कोई तो स्त्री के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है और कोई स्त्री के लिए अपने भाई तक को भी छोड़ देता है, तो अलग अलग एग्जाम्पल। अतः नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सर्वत्र यानी सब जगह एक जैसा नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इतने ही प्रश्न नहीं पढ़ने जितने इस वीडियो में बताए हैं। देखो बच्चों, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। मैंने इस वीडियो में क्यों नहीं बताए, वो इसीलिए नहीं बताए क्योंकि वो आप खुद भी पढ़ोगे तो भी आसानी से समझ लोगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप खुद पढ़ के आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछना ताकि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अब बात आती है कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां। देखो बच्चों, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स। उसमें आपको और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सब पढ़ना मत भूलना, और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।